अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को स्टार्ट करने वाले हैं और होपफुली कि ये लास्ट ही टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब इसके अंदर फर्दर अगर हम एजेंसी देखेंगे तो उसके बाद एजेंट देखेंगे, एजेंट की ड्यूटीज़, एजेंट की लाइबिलिटीज़ और उसके बाद और जो सब एजेंट का टॉपिक वो भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले आज अगर हम इसको डिफाइन करें कि ये एजेंसी क्या है, देखें एजेंसी के अंदर सबसे पहले आपका जो सेक्शन 182 है, 182 डिफाइन करता है किसको, एजेंट एंड प्रिंसिपल। कि ये एजेंट कौन है, ये प्रिंसिपल कौन है। देखें एजेंट कौन होता है, एजेंट की अगर हम डेफिनेशन ड्रा करें तो एजेंट की डेफिनेशन क्या मिलती है हमें, कह रहे एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर एनदर और रिप्रेजेंट एनदर, एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर एनदर और रिप्रेजेंट्स एनदर, तो वो कौन है आपका, वो एजेंट है। एजेंट कौन शख्स होता है, एजेंट कोई भी ऐसा शख्स जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी ऐसा शख्स जो किसी और के बिहाफ पे कोई एक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एजेंट कहते हैं। आपके एजेंट के अंदर, एजेंट्स के अंदर आपके जितने भी वकील हजरात हैं वो सारे के सारे एजेंट्स के अंदर काउंट हो सकते हैं। प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल इज अ पर्सन फॉर हुम एजेंट इज वर्किंग, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए ही तो एजेंट काम करता है, उसके लिए फर्दर इसको एलोबरेट कर रहा है, द पर्सन फॉर होम सच एन एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंटेटेड। कोई भी ऐसा शख्स जिसको एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर जो है उसके लिए कोई काम कर रहा है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये डेफिनेशन है आपकी प्रिंसिपल की और ये डेफिनेशन है आपकी एजेंट की। उसके बाद सेक्शन 183 क्या कहता है, 183 जो है हमें कह रहा है के हु मे एम्प्लॉय एजेंट, हु मे एम्प्लॉय एजेंट, के एजेंट को एम्प्लॉय कौन कर सकता है, और उसके बाद है हु मे बी एन एजेंट 184, हु मे बी एन एजेंट। दोनों की डेफिनेशन सेम है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये एजेंट के लिए और ये जो है किसके लिए, आपके प्रिंसिपल के लिए, कि प्रिंसिपल कौन बन सकता है और आपका 184 है कि आपका एजेंट कौन बन सकता है। 183 सिंपली ये कह रहा है हमें कि एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ एंड हु इज सब्जेक्ट एंड हु इज साउंड माइंड मे एम्प्लॉय एजेंट। तो कौन होना चाहिए, कोई भी ऐसा शख्स जो कि जो एज ऑफ मेजोरिटी हो, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडली साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, तो वो आपका एजेंट भी बन सकता है और वो आपका प्रिंसिपल भी बन सकता है। 183 और 184 ने सिंपली इतनी बात की। 185 कहता है कि कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी, 185 क्या कहता है, कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी। देखिए हमने प्रीवियसली सेक्शन नंबर 24 या 25 के अंदर डिस्कस किया था कि कंसीडरेशन इज नेसेसरी To complete an contract, contract के अंदर consideration नहीं होगा तो वो आपका contract complete नहीं होगा। लेकिन 185 कह रहा है कि consideration necessary नहीं है, consideration मुआवजा जो है वो necessary नहीं है। कह रहा है no consideration is necessary to create an agency, agency create करने के लिए कोई भी consideration की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये agency आप इसको उस concept में मत लेके जाना कि agency जो भी हम कोई किसी Coca-Cola की agency वगैरह देखते हैं वो agency नहीं है। ये एजेंसी जो वर्ड है ये एजेंट से मिलके बना है कि आपकी जगह कोई और शख्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ इन सच सर्कमस्टांसेस आप उस एजेंसी को यहाँ से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इस सूरत में कि मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि वो एजेंसी, उस एजेंसी के अंदर भी तो ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई एजेंट, कोई ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, एक्चुअल ओनर नहीं होता, तो वो भी एजेंसी ही है, ठीक है। उसके बाद
186 क्या कहता है, 186 हमें कहता है कि एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एजेंट्स अथॉरिटी मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, कि जो एजेंट की अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। अभी एक्सप्रेस क्या है और इम्प्लाइड क्या है, इसको डिफाइन किया आज सेक्शन 187 ने, कि डेफिनेशंस ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। 187 ने क्या डिफाइन किया, डेफिनेशन। डेफिनेशन किस चीज़ की डिफाइन की इसने, कि हमारे पास जो एक्सप्रेस है उसकी डेफिनेशन क्या है और इम्प्लाइड है उसकी डेफिनेशन क्या है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ एक्सप्रेस क्या होता है और इम्प्लाइड क्या होता है। देखें, अगर मैं अपने वर्ड्स के जरिए से ये कह दूं कि आज के बाद तुम मेरे एजेंट हो, आज के बाद अली मेरा एजेंट है, आज के बाद जुलेद मेरा एजेंट है, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं अपने जो है वर्ड्स के जरिए से, अपने एक्ट के जरिए से उनको कह रहा हूँ, लिखत में कह रहा हूँ कि ये मेरे एजेंट हैं, और हल्फन कह रहा हूँ, मतलब कि डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये दोनों मेरे क्या हैं, ये एजेंट है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम एक्सप्रेस कहेंगे। इम्प्लाइड क्या होता है, इम्प्लाइड मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐसा एक्ट करूँ, वो पूछ रहे हैं मुझसे सर क्या हम आपके एजेंट बन सकते हैं, मैं उनको कुछ जवाब नहीं देता, तो उस जवाब को वो कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ मैं उनको अपना एजेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर मैं क्या करूँ, मैं जो है बाय वर्ड्स के ज़रिए से ना कहूँ, बल्कि यूजुअल मैनर में ना कहूँ, बल्कि किसी और तरीके से कहूँ जो यूजुअल मैनर में नहीं आता। वो किस तरीके से, वो जो है आपका रिटर्न में भी हो सकता है, या उन्होंने लिख के मुझे दिया, मैंने सिग्नेचर कर दी कि हाँ आप मेरे एजेंट हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, तो उसको भी हम इम्प्लाइड में काउंट कर सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स, यूजुअल मैनर, इम्प्लाइड अदर देन एक्सप्रेस, उसको हम इम्प्लाइड कहते हैं। उसके बाद 188 क्या कह रहा है, 188 जो है सिंपली डिफाइन कर रहा है आपको एक्सटेंड ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एक्सटेंड ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, कि ये एजेंट जो है उसकी क्या अथॉरिटी है, वो किस हद तक काम कर सकता है, एजेंट कौन कौन से काम कर सकता है प्रिंसिपल के। अब ये कह रहा है कि विच इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट, टू डू एवरी लॉफुल एक्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रिंसिपल हूँ और अली मेरा क्या है, एजेंट है, अब मेरी एब्सेंस में मैं किसी और सिटी चला जाता हूँ, मैं कराची चला जाता हूँ, अब अली ये देखता है कि सर मौजूद नहीं है, बारिश या सैलाब आ गया है, अगर मैं इन गुड्स को अंदर नहीं रखा मैंने, तो जाहिर सी बात है ये गुड्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये गुड्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई ऐसे गुड्स हैं जो अगर बारिश के अंदर भीग गए तो ख़राब होने का ख़तरा है। तो वो मेरी जगह पे क्या कर रहा है, लाफुल एक्ट कर रहा है, उनको अंदर रख रहा है, तो ये क्या है, ये एक लाफुल एक्ट है। मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता उसके खिलाफ कोर्ट में जाके कि इसने मुझसे बिना पूछे उन गुड्स को अंदर कैसे रखा, तो ये क्या है, ये लाफुल एक्ट है, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि डू एवरी लाफुल थिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस, उस बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो जो लॉफुल एक्ट कर सकता है वो करेगा। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास शिप है, ये ए है, ये बी है, ये प्रिंसिपल है और बी क्या है, बी इसका एजेंट है। अब ए बी को कहता है कि आप क्या करो, आप एक शिप के जरिए से, कार्गो शिप के जरिए से जाओ दुबई, और मेरे जो गुड्स हैं उन गुड्स को डिलीवर करो। अब शिप के ज़रिए से बी जो कि एज एन एजेंट ये जो है क्या कर रहा है, ये उन गुड्स को डिलीवर करने जा रहा है दुबई में, रास्ते में कोई तूफ़ानी सैलाब आ जाता है, ऐसा ख़तरनाक सैलाब के जिससे खदशा है कि पूरी की पूरी शिप ही डूब जाएगी, तो वो क्या करता है, वो ये ऐसा करता है कि उस शिप का 30% जो सामान है, 30% जो गुड है, उन गुड्स को फेंक देता है। अब वो फेंक किस वजह से रहा है, ताकि 70% गुड्स उसके बच जाएँ, किस वजह से, उसकी इंटेंशन क्या है, बाकी 70% गुड्स को बचाने की। अगर जाहिर सी बात है उसके अपने गुड्स होते तो भी वो ऐसा ही करता, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उनको इस वजह से फेंक रहा है ताकि 70% गुड्स बच जाएं, तो ये क्या कर रहा है, ये एक लॉफुल वर्क कर रहा है, लॉफुल एक्ट कर रहा है, तो ये भी कर सकता है, ये एजेंट के एक्सटेंड है कि एजेंट का कहाँ तक के काम कर सकता है। उसके बाद 189 ने क्या कहा, 189 ने हमें कुछ यूं कहा, 189 कह रहा है एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, कि मिसाल के तौर पे कोई इमरजेंसी की सूरत आ जाए, जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, इसी एग्जांपल को आप ले सकते हैं, इसी एग्जांपल को आप इन केस ऑफ इमरजेंसी काउंट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि एन एजेंट हैज़ अथॉरिटी टू एन
इन एन एमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय द पर्सन इन ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस। मिसाल के तौर पर इसको एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है आप भी बोर हो गए हैं कि सर एक ही एग्जाम्पल दे रहा है। अब देखें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मिसाल के तौर पर ए है और बी है। अब ए क्या है, प्रिंसिपल है, और बी क्या है, बी आपका एजेंट है, ठीक है। अब ए की एब्सेंस में बी ये देखते हैं कि मार्केट के शेयर्स गिर गए हैं, या गोल्ड का रेट चल रहा है, उन्होंने कोई गोल्ड ख़रीदा। अब वो ये देख रहा है कि विद इन वन वीक ये जो गोल्ड है या फिर ये जो शेयर्स हमारे एजेंट ने ख़रीदे हैं ये मज़ीद गिर जाएंगे, ये मज़ीद गिर जाएंगे, और इतने गिर जाएंगे कि हमारा मालिक सड़कों पर आ जाएगा। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट जो है उसकी जगह पर वो सारे के सारे शेयर्स सेल आउट कर देता है। अब जब उसने सेल आउट किए और अगले दिन उसके मालिक ने देखा कि मेरे सारे के सारे जो शेयर्स थे वो मेरे एजेंट ने किस तरीके से सेल आउट किए, वो उससे पूछता है, तो वो उसको कहता है जनाब अगर आप नहीं, अगर मैं आज शेयर नहीं करता तो आने वाले दो दिनों के अंदर मार्केट वैल्यू और डाउन हो जाती, आपके शेयर्स गिर जाते और आप सड़क पर आ जाते। और दो चार दिन के बाद वाकई ऐसा होता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी वो एक क्या स्टेप लेता है, वो एक ऐसा स्टेप लेता है जो वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए लेता। अगर उसकी आइदर अपनी प्रॉपर्टी होती तो वो वैसा ही स्टेप लेता जैसा अपने फिर किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए वो ले रहा है। उसके बाद 190 क्या कह रहा है, 190 हमें कह रहा है कि वेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, कि कब जो आपका एजेंट है वो सब एजेंट नहीं बना सकता। अब ये सब एजेंट क्या है, वेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, कि आपका जो एजेंट है वो कब डेलीगेट नहीं कर सकता है। कह रहा है एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स विच ही हैज expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom or trade or sub agent may form nature of the agency sub agent must be employed। कह रहा है कि बिना मालिक की मर्जी के, बिना मालिक की, बिना प्रिंसिपल की मर्जी के एक एजेंट अपने लिए सब एजेंट नहीं रख सकता। किस, अब ये सब एजेंट क्या होता है, एजेंट कौन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रिंसिपल को। सब एजेंट कौन होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसको, आपके एजेंट को। अब आपने अक्सर ऐसा देखा है कुछ मार्केट्स होती हैं उसके अंदर एक एजेंट हर जगह पे नहीं जा सकता, वो क्या करता है वो अपने लिए सब एजेंट्स रख देता है जो हर मार्केट के अंदर जा जाके रिकवरी करें। तो वो अपने जो है प्रिंसिपल के कंसेंट के बिना, उसकी मर्जी के बिना सब एजेंट नहीं रख सकता। एक कंडीशन में रख सकता है अगर वो अपनी पर्सनल क्या कर रहा है, वो अपने लिए ज़ाती तौर पर रख रहा है और उसको जो भी फ़ायदा नुकसान होगा उसको एजेंट को, वो सब एजेंट को उसको अपनी तरफ से देगा लेकिन मालिक की तरफ से नहीं देगा। किस तरीके से, थोड़ा इसको और एलोबरेट करता हूँ। देखें जब आपका एक प्रिंसिपल एजेंट को ये कह दे आपका काम ज़्यादा है, आप जो है अपने लिए कोई सब एजेंट अपॉइंट कर लें, तो वो उसकी मर्जी से अगर अपॉइंट करेगा तो उसको पेमेंट कौन देगा, उसको जो है सैलरी कौन देगा, आपका मालिक, आपका जो है प्रिंसिपल। लेकिन अगर प्रिंसिपल की मर्जी के बिना रखता है तो उसको सैलरी कौन देगा, आपका एजेंट। अंडरस्टैंड, ये हो गया सेक्शन 190। उसके बाद 191 क्या कहता है, 191 सब एजेंट डिफाइंड, सब एजेंट की डेफिनेशन, सब एजेंट इज अ पर्सन हु एम्प्लॉय बाय एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट इन अ बिजनेस ऑफ एन एजेंसी। बिजनेस ऑफ एन एजेंसी के अंदर जो आपका एजेंट है उसके कंट्रोल में जो शख्स है उसको हमने सब एजेंट की डिफाइन किया। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन और प्रिंसिपल बाय सब एजेंट properly appointed where a sub agent is properly appointed the principal is so far as regard third persons represents by the sub agent and is bound by the responsible for his acts and if he were an agent originally appointed by the principal, agent's responsible sub agent, the agent is responsible of the principal act of the sub agent। कह रहा है कि जब due process of law कानून के जरिए से या फिर बिल्कुल एक थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए से प्रिंसिपल जो है एजेंट को कहता है आप अपने लिए सब एजेंट अपॉइंट करें, सब एजेंट जो भी एक्ट करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आपका प्रिंसिपल। लेकिन अगर प्रिंसिपल नहीं करता तो जिसने अपॉइंट किया वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद कहा कि एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, एजेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब एजेंट के लिए। कह रहा है कि जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रिंसिपल का फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। क्या है कि जितने भी एक्ट करेगा सब एजेंट, जो भी काम करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल एजेंट है। सब एजेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स फॉर द एजेंट टू द एजेंट बट नॉट द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ द फ्रॉड और विल
फुल रॉन्ग, कह रहा है कि विलफुल रॉन्ग या फिर जो आपका फ्रॉड है उससे हटके एजेंट, सब एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे काम करके दिखाए, किसको, एजेंट को, वो डायरेक्ट मालिक को काम करके नहीं दिखाएगा, वो रिकवरी वगैरह लेता है, मार्केट से जो भी गेन करता है वो सारा का किसको देगा, जो उसका एजेंट है उस एजेंसी का, तो वो उसको दिखाएगा ना कि मालिक को। तो आज हमने सेक्शन 182 से 192 तक क्लियर किए, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसी को फर्दर एलोबरेट करेंगे, इसके जो 193 से आगे ऑनवर्ड चलेंगे, यहाँ तक किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आप। थैंक यू, लेट्स सॉल्व।